सर ये देखो। ओके नहीं ओके, तो आपने वो है। क्रिएट कर ली पूरी, है ना? हाँ सर। ओके, ये जो डेट लिखी है और डे लिखा है, आप उसे स्क्रॉल करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक फिल होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। हाँ ओके, डेट वाला मुझे करके बताओ एक बार। सर। बस 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 बस, 24, 25, 26, 27, ओके गुड। और ये सैटरडे वाला, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ ओके ओके। सर। तो देखो, आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, ठीक है? ओके, जो शीट में आपको बहुत यूजफुल होते हैं, स्प्रेडशीट में आपके, ठीक है? तो आप लोगों को, आप लोग ने ये बनाया, आपको मेरे हिसाब से फॉर्मेटिंग आ गया होगा, है ना? हाँ अब आप गूगल शीट पे टेक्स्ट लिख के और ये पूरा टेबल इस तरह क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल अगर टेबल आता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, तो आप बना पाओगे ना? सर। गुड, ओके। तो अभी मेरे को एक चीज और पूछना था। हाँ, आप लोगों के क्वेश्चन शीट थोड़ा सा ओपन करो, क्या क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, एक काम करो, हाँ सभी सर। लोग, एक टैब में मीन्स देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आज आप लोग ही सारा कुछ करोगे। मीन्स मैं जो भी सर। बताऊंगा, आप करोगे, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दूंगा केवल। ओके ओके, हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या है, कहाँ गए? ओके, तो इसमें खुशबू का क्वेश्चन नहीं है, मिसिंग हाँ है ना? सर। ओके, हाँ तो सर। और एक का क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5 ही क्वेश्चन है? कैसे खुशबू का नहीं। अच्छा, कस्तूरी का एक एक सर रोज। वो ऊपर गलती से ऊपर सर वो लाइन छूट गई। वो कैसे ये करते हाँ, हैं? तो इसको डिलीट करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता है? नहीं नहीं सर। सर। ओके, तो देखो, जहां पे 103 लिख के आ रहा है, उसमें आप राइट क्लिक करो जाके। किधर किधर? हाँ हाँ नंबर। हाँ 103 नंबर लिखा है ना, रो नंबर 103। हाँ, इस सर। पे करो राइट क्लिक। इतने क्वेश्चन से इतने सर हमें राइट मुझे कंप्यूटर अच्छा, करता है। तो ओके, एक बार उसमें क्लिक करो, ऐसे ही डबल टैप करो। अच्छा, कट वो कर। इसके राइट क्लिक नहीं हुआ इसमें। अच्छा, मोबाइल है बिकॉज़ है। हाँ सर। नहीं, कट नहीं करना होता है आप उसको। ओके, कोई नहीं, मैं अभी, हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। आप उसको 103 पे क्लिक किया आपने? किया। ओके, ये जो 3 बटन्स आ रहे हैं ना राइट साइड टॉप पे, उस पर क्लिक करो। हाँ ओके, इसमें नेम, डेट ऑफ एलिवेशन नहीं। एक बार आप फिर से मेरे को क्लिक करके बताओ, थोड़ा सा डी सिलेक्ट करके फिर से सिलेक्ट करो 103 को। करो हाँ, अभी डिलीट ऑप्शन तो होना चाहिए, कहाँ सर ये पे? डिलीट क्या है इस पे करूँ? हाँ, ये राइट क्लिक करके आया। हाँ हाँ, ओके, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करो, चला जाएगा। हाँ गया सर। गया? हाँ हाँ सर सर। गया। ओके, सेम एज कॉलम भी अगर आपको डिलीट करना है तो आप कर सकते हो, और सेम एज आप इंसर्ट भी कर सकते हो। लाइक, आपको 104 के बाद एक रो आपको इंसर्ट करना है, तो आप 104 पे करो राइट क्लिक।
हाँ सर, वन जीरो फोर को क्लिक करो। 104। हाँ हाँ सर। हाँ अभी राइट क्लिक करो, मीन्स अभी जिस ऑप्शन से ओपन किया था उसको ओपन करो। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें और नीचे जाओ, ग्रुप साइज हाइट, ओके इसमें आई नहीं है ऑप्शन, एप्लीकेशन मुझे यूज करना पड़ेगा तभी। ओके इसको देखते हैं, मैं अब एप्लीकेशन ही यूज करूंगा ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ओके कोई नहीं, आप इसको बैक करके अब मैं आपको फॉर्मूला, सॉरी पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होंगे आपके। ओके हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इफेक्टिव यूज गूगल शीट। ओके तो ये क्वेश्चन हैगा कस्तूरी का। ओके फर्स्ट कस्तूरी एक्सप्लेन मी योर क्वेश्चन, दैट व्हाट यू वांट टू आस्क बाय दिस क्वेश्चन। कस्तूरी हाँ सर। बेटा बताओ। गूगल शीट का इफेक्टिव यूज कैसा है? वो सर गूगल शीट है ना, उसका ना इफेक्टिव यूज लाइक मीन्स किस वे पे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन सा है एक्चुअली, आप पूछना क्या चाह रहे हो फिर मैं अभी बता दूंगा तुरंत। ओके सुनो, एक्चुअली क्या है जो आप पूछ रहे हो इफेक्टिव वे का, उसका मीन्स ये है कि आप जो गूगल शीट यूज कर रहे हो सेम एज आप एमएस ऑफिस वर्ड में और गूगल डॉक में भी यूज कर सकते हो, बट हम गूगल शीट ही क्यों यूज करें। ओके तो कल हाँ मैंने बोला था एक वर्ड था टेबुलेशन मेथड, सॉरी सॉरी टेबुलेशन डेटा है ना, सर। तो एक तो वो रीजन है कि हमारा जब डेटा टेबल फॉर्म में होता है तब हम गूगल शीट का यूज करते हैं। ओके हाँ ओके सेकेंड, गूगल शीट का इफेक्टिव यूज तब कहलाएगा जब आप इसमें फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, तब आपका गूगल शीट बहुत अच्छे से, मतलब आप बहुत अच्छे से उसका फुल तरीके से आप यूज कर रहे हो तब वो कहलाएगा। लाइक आप वहां पे मान लो आप एक शॉप चलाते हो, ठीक है। ओके आप सेलिंग करते हो, परचेजिंग करते हो, तो आपने भाई शॉप वाला क्या करता है, पहले वो जो भी उसको सेल, जैसे एक बुक शॉप है ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो जाएगा रिटेल शॉप के पास, वहां से वो इकट्ठी बहुत सारी बुक्स परचेज करेगा, ठीक है। फिर उसमें कुछ जिस तरह उसने 100 रुपीज की वन बुक परचेज करी, फिर उस अपनी शॉप पे क्या करेगा वो उसको 120 की सेल करेगा, है ना हाँ है ना। तो उसने क्या किया, सर। 100 रुपीज की बुक पहले तो परचेज करी, फिर उसके बाद 120 नहीं थोड़ी नहीं। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा सॉरी। ओके तो उसने क्या किया, 100 रुपीज का पहले परचेज किया, फिर उसको अपनी शॉप पे लगाया, फिर कोई कस्टमर आया तो उसने 120 का उसको सेल किया। ओके हाँ सर। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने एक बुक पे कितना अर्न किया, तो आप क्लियरली बोलोगे ठीक है 20 रुपीज का अर्न किया, हाँ ठीक है डायरेक्टली बोल दोगे। बट आपसे अगर मैं कहूं सडनली कि उसने एक बुक 100 रुपीज की परचेज की थी, एक बुक 125 की, एक 123 की, एक 200 की, एक 215 की, और उसने डायरेक्टली सभी को उसने 400 रुपीज में सेल किया। ओके तो आप अब आपके लिए ये कैलकुलेशन करना कि उसने कितना, और मान लो इस तरह करके उसने 150 बुक सेल करी। ओके तो अब आपके लिए एक इजी मेथड अब ये नहीं रह गया ना कि अब आप, क्योंकि सेम प्राइसिंग तो थी नहीं हर एक बुक की जो उसने परचेज की थी, परचेज का अमाउंट जो है हर एक बुक का डिफरेंट हो गया अब यहाँ पे, बट सेलिंग प्राइस तो सेम है, मान लिया उसने 400 की ही सारी बुक सेल करी है,
तो आप डायरेक्टली अगर कहो 150 बुक सेल किए हैं, 400 ईच सेल किया है, तो उसका 15 × 4 = 60 है ना, तो उसने 6000 की बुक सेल की। ओके, बट आपसे अगर पूछा जाए परचेज अमाउंट, तो अब आपको पूरा एक एक शीट का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक बुक उसने 125 की खरीदी है, एक 123 की खरीदी है, एक 126 की खरीदी है, तो कब तक आप इसको कैलकुलेशन करते रहोगे फिर, है ना। तो अगर आप इसको गूगल शीट पे डायरेक्टली नोट करते जाओगे, तो केवल और केवल एक फॉर्मूले और एक क्लिक के द्वारा आप तुरंत पता लगा लोगे कि भाई उसने कितने में परचेज करी, कितने में सेल करी, ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो एक बार में तुरंत बता देगा। तो ये कहलाएगा इफेक्टिव यूज। ये चीज आप एमएस वो सॉरी डॉक में नहीं कर सकते, गूगल डॉक जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसमें आप नहीं कर सकते, ये आप इसमें कर सकते हो। तो इफेक्टिव यूज ये अब कहलाया, जब आप उस डेटा को, मतलब जो डेटा आपने सेव किया, जो आपने नोट डाउन किया, अब उसमें आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हो उसमें, और एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक, मीन्स देखो डेटा सबके पास है ना। कहते नहीं है कि बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल हो जाता है जो अपने स्टोर को बहुत अच्छे से मैनेज करता है ना, जिसकी हिसाब किताब, कहते नहीं है जिसका हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है ना। लाइक एक पर्सन जो है, वो दो पर्सन है मान लो, वो इस सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप कभी कभार देखोगे एक पर्सन तो साइकिल में आ रहा है और एक पर्सन कार में आ रहा है। भाई ऐसा क्यों, दोनों की सैलरी तो सेम है। तो ऐसा होगा ना, जो कार में आ रहा है उसकी मैनेजिंग अच्छी होगी, उसकी सेविंग्स अच्छी होंगी, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहा है, तब जाके वो अपनी कार खरीद ली उसने। लेकिन जो पहला वाला बंदा है, वो भाई अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी जॉब को, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो सेम एज गूगल शीट में भी है कि डेटा तो हमें टेबुलर फॉर्म में मिल जाता है, बट उस टेबुलर फॉर्म में डेटा सेव करने के बाद, स्टोर करने के बाद, आप उसे मीनिंगफुल वे पे डेटा पे कन्वर्ट कर। ठीक है, लाइक अब मैं आपसे खुद इसमें खुद बनवाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको ये जो इफेक्टिव यूज है वो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर गूगल शीट का इफेक्टिव यूज किस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब आप लोगों को आइडिया हो गया इफेक्टिव यूज कब है, जब हम टेबुलेशन डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग फॉर्मूलाज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके ओके, तो सेकंड है हाउ टू इंसर्ट लिंक इन गूगल शीट। ओके, तो आप मेरे को ये बताओ, मैंने गूगल डॉक में भी सच्चा ये चीज मिस कर दी, लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं ना। हाँ, उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक। ओके, मैं इसको बताऊंगा आज, थोड़ा सा मैं मोबाइल पे हूँ, लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं इसको बता दूंगा। ओके ओके, ये आप नोट डाउन करके रखना, सर ने ये अभी नहीं बताया। ओके ओके, अब सेकंड है व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, यही सब तो पढ़ाना है मुझे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू यूज इट। ओके ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी बताएंगे, फॉर्मूलाज जब बताना स्टार्ट करेंगे ना, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताएंगे हम आपको। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, वर्ड क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके हेलो, तो बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्ड जो लिखा हुआ है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या समझ आता है? कस्तूरी आप बताओ हिंदी में कंडीशनल, मैं आपसे ये नहीं पूछा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, मैं आपसे पूछा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हिंदी मतलब, आप हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे? कंडीशनल हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो क्या बोलोगे? ओके, कंडीशन मींस सिचुएशन सिचुएशन, शर्त, टर्म्स होते हैं ना, रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब होती कंडीशन। ओके,